नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार आमने सामने है। इस बार पंजाब के सीएम और अरमिंदर सिंह के पीएम को लिखे पत्र पर घमासान शुरू हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के चावल को जीआई टैग न देने की मांग करते हुए पाकिस्तान को फायदा होने की बात कही गई। पत्र के बाद सीएम और गृह मंत्री के निशाने पर पंजाब सरकार आ गई। इससे पर हम करेंगे चर्चा, पर इससे पहले देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट। चावल पर गया विवाद, पंजाब मध्य प्रदेश सरकार आमने सामने, शिवराज ने की निंदा, गृहमंत्री ने भी साधा निशाना। किसान विरोधी रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग न देने की मांग करते हुए पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा इसमें पाकिस्तान को फायदा होगा। पंजाब के सीएम के इस पत्र का मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर विरोध किया। उन्होंने लिखा, मैं पंजाब की कांग्रेस सरकार के मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैगिंग देने के मामले में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र की निंदा करता हूं और इसे राजनीति से प्रेरित मानता हूं। उन्होंने लिखा, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से ये पूछना चाहता हूं, आखिर उनके मध्य प्रदेश के किसान बंधुओं से क्या दुश्मनी है। गौरतलब है मध्य प्रदेश के 13 जिलों में साल 1908 से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च में दर्ज भी है। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने का पंजाब सरकार की विरोध करने पर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने भी विरोध किया और निशाना साधा। उन्होंने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी रही है, उन्होंने कभी किसानों का भला नहीं चाहा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की पंजाब सरकार प्रदेश के किसानों पर कुठाराघात कर रही है, बासमती चावल के जीआई टैग पर आपत्ति लगाती है, इस पर कमलनाथ मौन क्यों हैं? जब जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे नेता खामोश रहते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने किसानों से झूठे वादे कर सरकार बनाई थी। पर कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की, उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर, पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है, बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है, उस पर कमलनाथ मौन क्यों है? जब जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं। किसान पर दोहरी मार इन्हें मार दी, झूठे वादे करके सरकार बना ली, ना कर्जा माफ किया। फरवरी 2020 में मद्रास हाई कोर्ट ने मोदी सरकार के जम के विरोध के कारण मध्य प्रदेश के किसानों की बासमती चावल की मान्यता भी निरस्त कर दी। उसके तत्काल बाद कमलनाथ जी ने एक व्यापक मीटिंग बुलाई जिसमें चीफ सेक्रेटरी और संबंधित सभी अधिकारी थे और ये निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल के किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और हम मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ अपील में जाएंगे। मगर आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार पंजाब सरकार पर आरोप लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज जी और नरोत्तम मिश्र जी से कि बताएं, क्या केंद्र की मोदी सरकार पंजाब सरकार की एड एंड एडवाइस पर काम कर रही है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। गौरतलब है अब की बार चावल पर तकरार जारी है, ये तकरार कहां खत्म होगी देखने वाली बात है। डेस्क रिपोर्ट डीएनए। तो पंजाब सरकार पर मध्य प्रदेश सरकार ने निशाना साधा और जिस तरह पंजाब सरकार ये मांग कर रही है कि मध्य प्रदेश से जीआई टैग हटाया जाए, केंद्र सरकार से मांग की है पंजाब सरकार ने, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया, जिसके जवाब में कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कहा कि पक्षधर रही है कांग्रेस शुरू से ही इस बात की कि बासमती को महत्व मिले मध्य प्रदेश में। इस पर
तो अब बासमती पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, उनसे परिचय करवाऊंगी। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस से आनंद जाट हैं, बहुत स्वागत है आनंद जी, और बीजेपी से केदार पटेल जी, बहुत स्वागत है केदार पटेल जी। शुरुआत केदार पटेल जी आपसे करूंगी, जिस तरह माफ कीजिए आनंद जाट जी आपसे करूंगी, जिस तरह मांग की जा रही है, अब पंजाब सरकार इस बात की मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा, अगर मध्य प्रदेश में जीआई टैगिंग होती है तो इसका फायदा पाकिस्तान या विदेशों में मिलेगा, किस तरह होगा यह समझना चाहें। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि ये पाकिस्तान को फायदा होगा, या हम भी नहीं कह रहे हैं, ये पंजाब सरकार, पंजाब सरकार की बात है जी, सरकार आती है पंजाब में, मध्य प्रदेश की सरकार एक सक्षम प्रतिरोध खड़ा करे। कांग्रेस की सरकार थी तब, अगर हमारी सरकार थी तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो वैधानिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन करते। अब इसमें राजनीतिक बात क्या है, मध्य प्रदेश के किसान जो है अभी ग्रीष्मकालीन मूंग की वजह से परेशान हो रहे हैं, पंजीयन की बात कहकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पंजीयन नहीं करा रही है, और आज जो है कमलनाथ जी से सवाल पूछने का उसका नैतिक साहस खो चुके हैं, उसके बावजूद गृह मंत्री जी उल जरूर बयानबाजी कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कोरोना नहीं डरोना है, और अब कह रहे हैं अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। कोरोना को लेकर विफलता है, किसानों को लेकर विफलता है, और उन विफलताओं में सीधे कांग्रेस को जोड़ देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार जो है किसानों की कर्ज माफी के साथ खड़ी हुई थी, इनके ही मंत्री कहते हैं कि किसान कर्ज माफी पाप है, और अब किसान पुत्र होने का या किसानों के हमदर्द होने का ढोंग रचने की आवश्यकता क्या है, वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें, पंजाब सरकार की आपत्तियों को उचित मंच पर खारिज करवाएं, और इस सब का जो है अगर मध्यप्रदेश किसानों को मिलता है तो मैं समझता हूँ कि किसान पुत्र होने के नाते मैं और मेरी पार्टी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। नहीं तो सरकार पंजाब में आपकी है और ये मांग की जा रही है, अगर इसको टैग हटाते हैं, टैग नहीं लगने देते तो किसानों को नुकसान है, तो क्यों आपकी सरकार ये किसान हितैषी सरकार, आप भी कहते रहे हैं कि आपकी सरकार किसान का भला चाहती है, सोचती है, और जब मध्य प्रदेश में थी कांग्रेस की सरकार तब भी इसी वादे पर आई थी कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और किसानों के बारे में सोचा जाएगा, और यहाँ पर अगर इस चीजों को लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि किसानों के बारे में नहीं सोचती, किसानों का नुकसान आखिर क्यों चाहती है कांग्रेस? ये भाई इन आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल निराधार और एक बहुत पुरानी कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है, करने को कुछ नहीं है, तो वो सीधे पंजाब की सरकार पर ढोल देना चाहते हैं। भाई पंजाब की सरकार अपने किसानों के हित के लिए काम करेगी, मध्य प्रदेश की सरकार को बयानबाजी करने के बजाय जो है किसानों की लड़ाई चाहिए, जीआई टैग की लड़ाई। केदार जी, केदार जी, आनंद जी का कहना है कि किसान का भला कांग्रेस सोचती है, चाहती है, सरकार उनकी वहां पर पंजाब में है, पंजाब में किसानों का भला पंजाब की सरकार चाहती है, मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों की फिक्र करे, हालांकि किसान हितैषी कांग्रेस अपने आप को बताती रही है, और उसी वादे के चलते इनका यही कहना है कि इस तरह के जो आरोप है वो झूठे हैं, और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं किसानों की हितैषी, किसानों का भला चाहती है, इस तरह का कोई बात ऐसी नहीं है कि वो नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश के किसान फले फूले। है कांग्रेस पार्टी जो है पूरे नेशनल पार्टी है, ये कोई प्रादेशिक पार्टी नहीं है, तो ये एक प्रदेश के किसानों का भला चाहेंगे और दूसरे प्रदेश के किसानों का नुकसान करेंगे। इनको पूरे देश के किसानों का फायदा कैसे हो इस पर विचार करना चाहिए, तो इनको सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किसानों का नुकसान नहीं हो और पंजाब के किसानों का भी नुकसान नहीं हो। और जो योजना अभी मोदी जी ने बनाई है कि किसान अपनी फसल को देश में या विदेश में कहीं भी बेच सकता है और ज्यादा लाभ ले सकता है, तो उसका फायदा सभी किसानों को मिलना चाहिए, वो मध्य प्रदेश के किसान हो, गुजरात के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, सबको मिलना चाहिए। आनंद जी, जी मैं बहुत विनम्रता से केदार जी से पूछना चाहता हूं कि अभी मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने मंडी अधिनियम में संशोधन कर दिया है। मंडी अधिनियम में संशोधन नहीं किया है, बल्कि किसानों की मृत्यु का रास्ता तैयार किया है, निजीकरण का रास्ता तैयार किया है। और इस रास्ते में एक जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं केदार जी से बहुत विनम्रता के साथ कि केदार जी, क्या कहीं तीन अध्यादेशों में ऐसा कोई प्रावधान है जो समर्थन मूल्य की तस्दीक करता है, जो केवल और केवल ये बात कहता है कि किसानों को किसान कुछ नहीं मांगता है, किसान केवल समर्थन मूल्य मांगता है। मैं आज अपने खेत में खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ कि गांव पर और समर्थन मूल्य बढ़ाने के बड़े विज्ञापन सरकारी दावे किए जाते हैं। मूंग की फसल दस दिन जो शुरुआती 10 दिन थे उसमें 9000 9500 10000 तक मंडियों में बिकी, और आज देख लीजिए मध्य प्रदेश का किसान जो है 2500 से लेकर 6500 रुपए तक अपनी मूंग की ग्रीष्मकालीन फसल बेच रहा है, जबकि कृषि मंत्री ने कृषि विभाग ने ये घोषणा की थी कि पंजीयन करा के और मूंग का समर्थन मूल्य पर हम खरीदारी करेंगे। और ये बात छोड़िए, मध्य प्रदेश के मंडला और सिवनी में मक्का के किसान रबी की फसल 6 महीने हो चुके हैं, रबी की फसल निकले को आज तक सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर किसी ने सुध ली हो समर्थन मूल्य पर तो किसान हितेशी होने का दावा मत कीजिए, क्योंकि 15 महीने की चलिए आपने जो बातें कही उसकी 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 उसका जवाब ले लेती हूँ केदार पटेल जी। हाँ, क्या रहा अभी इनने बोला कि तीनों जो विधेयक पारित हुए हैं तो तीनों में एमएसपी के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है उसमें कि उससे कम फसल बिकेगी कि ज्यादा बिकेगी। आपने जबरन एमएसपी को उसमें घुसेड़ दिया। एमएसपी ही तो सब कुछ है सर, एमएसपी चाहिए। नहीं नहीं, तो उसमें वो उसमें कहाँ लिखा है, उसमें कहाँ लिखा है कि ये किसान हित की बात कीजिए, उसमें अगर बात करेंगे किसान हित की बात। आदेश अगर पारित होता है तो एमएसपी से कम बिकेगा, ऐसा उसमें कहाँ प्रावधान है? नहीं तो एमएसपी पर बिकेगा ये प्रावधान कर दीजिए ना कि एमएसपी के अलावा आप नहीं लेंगे, आप लेने का प्रावधान कीजिए ना। मेरा कहने का मतलब, चलिए मुद्दा भी यही है कि जीआई टैग अगर मध्य प्रदेश में भी होती है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस हितैषी? दिक्कत नहीं है, कांग्रेस में किसको दिक्कत है? तो फिर केंद्र सरकार से मांग क्यों, केंद्र सरकार से मांग की जाती है कि इसको हटा दे? मेरी बात सुनिए, जो बात कही जा रही है, कमलनाथ जी ने कोई बयान दिया हो, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा हो, नहीं है तो कांग्रेस भाई सरकार किसकी है? सरकार तो कांग्रेस की है ना पंजाब में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने आपत्ति की है वहाँ के किसानों के लिए, तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है भाजपा की सरकार है वो वहाँ के किसानों के पक्ष में वहाँ की आपत्ति को दूर करे। सरकारी तौर पर काम होगा ना, सरकार से कमलनाथ जी बात करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान? नहीं, बात यहाँ किसानों की, किसानों के फायदे नुकसान की है। किसान कहीं कभी हो आनंद भाई, वो वहाँ के किसानों की बात कर रहे हैं ना, उनके प्रदेश के लोग, तो आपके प्रदेश के लोग आपकी बात करें। और अगर कहीं विपक्ष के सहयोग की जरूरत है तो हमारी पार्टी आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी इधर से तैयार है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती करना ना धरना और आरोप लगा देना ये आज की भारतीय जनता पार्टी का शकल बन गया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिम्मेदारियों से बचने वाली पार्टी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी का कोई भाव नहीं है। जिस तरह से कोविड देख लीजिए, जो प्रवासी मजदूरों की समस्या देख लीजिए, और अभी किसानों के मुद्दे पर देख लीजिए किस तरह से केवल आरोप लगाने का काम किया जा रहा है, जब उचित नहीं होता कि मध्य प्रदेश सरकार पत्र लिखकर उनसे इस बारे में बात करती। जब 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 विपक्ष में थी बीजेपी तो इस बात को उठाया भी था कि आपने जो 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी वो कर्ज माफी आपने नहीं की। कर्ज माफी की प्रोसेस जो है वो 10 दिन से पहले शुरू कर दी, कमलनाथ जी जिस दिन शपथ पर आए उस शपथ के बाद सबसे पहला फैसला कर्ज माफी का था। और आप भी ये जानती हैं कि जो वित्त है उसका मामला बहुत टिपिकल होता ठीक है। केदार जी से समझ लेते हैं किसानों के हित में इनकी सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ फायदा किसानों को मिलेगा, किस तरह की योजनाएं हैं। हमारी सरकार जब चली गई, जब लौट कर आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लौट कर जरूर आएंगे, और जरूर आने के बाद निश्चित तौर पर जो जो भी हमारे
बचे हुए वचन है वो पूरे करेंगे। ठीक है केदार जी, जब ये लौट कर आएंगे, इनका इनका ऐसा मानना है कि सरकार इनकी वापस आएगी और जब आएगी तो किसान के बारे में फिर से सोचेगी। आपकी सरकार है किसान के बारे में क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं, किस तरह किसान को फायदा मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा किसान है। पहले भी बहुत सारी ऐसे जो कर्ज माफ है वो भी अभी कहीं ना कहीं रुका हुआ है, जो किसानों के कर्ज माफी का वादा किया गया था कांग्रेस सरकार थी, अब चूंकि जिम्मेदारी बीजेपी की, बीजेपी सरकार कांग्रेस के अंदर हर नेता के अलग अलग बयान होते हैं। कमलनाथ जी कुछ बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं। अभी इन्हें राहुल गांधी जी बोल गए 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन में आपका कर्जा माफ होगा। 10 दिन इनके डेढ़ साल में उनकी सरकार नहीं रही, नहीं हुआ। अब उनकी सरकार नहीं रही, अब आपकी सरकार, अब उनकी सरकार नहीं रही जी। तो इनने जो भोले भाले किसानों को और कर्ज माफी के 2 लाख के कर्ज माफी के चक्कर में फंसा के और सरकार बना ली, सरकार बनाने के बाद में उनसे कोई वादे इनने पूरे नहीं किए। चुनाव है अभी, इनमें हर पंचायत में गौशाला खोलने की बात करी थी, कितनी गौशालाएं खुली और 835 सरकार उनकी जा चुकी है। केदार पटेल, केदार पटेल जी, सरकार उनकी नहीं रही है, सरकार आपकी है। सवाल मेरा यही कि आपने किसानों के लिए क्या कुछ किया रहने के लिए मजबूर किसकी 15 साल सरकार ने किया। तीन जो अध्यादेश आए हैं, इन तीन अध्यादेश में ऐसा है किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता है। इसके लिए इनने व्यवस्था करी है कि किसान अपना माल का भाव एक मिनट आनंद 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 जाट जी एक मिनट केदार जी को बोलने दे, जवाब आपसे लूंगी जी। तीनों अध्यादेश में किसान को अपनी फसल का जहाँ दाम मिले वो वहाँ माल को बेच सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में अच्छा आलू होता है, तो महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में यहाँ का आलू जो है बिकने के लिए जाता है, तो किसान को अच्छा भाव मिलता है तभी वहाँ बेचने जाता है जी। तो आज किसान अगर पूरे देश में या विदेश में कहीं भी माल बेचेगा और उसको अच्छा भाव मिलेगा तो उसको जो है फायदा होगा। तो किसानों के फायदे की बातें जो है इन अध्यादेश में है, पर ये उसको MSP पे ले जाके टिका देते हैं। हाँ, अब मैं बोलूं? हाँ बोलो बिल्कुल आप। हाँ जी, अब आदरणीय मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, क्या उसमें आपका एक बहुत महत्वपूर्ण वादा, सरकार का वादा, पार्टी का वादा नहीं, सरकार का वादा है कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या संभव है? एक सवाल। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश हो या देश का किसान हो, वो किसान जो है 10 बोरी गेहूं अपने या 10 बोरी सोयाबीन या 10 बोरी चना जो है अपने घर में रखने की क्षमता नहीं रखता है, और उसे आप कह रहे हो कि विदेश में बेचेगा, वो सबसे नजदीक की मंडी में जाना चाहता है, और जहां आपने निजी हाथों के लिए पूरा खजाना और दरवाजा सब खोल दिया है, वहां किसान के संरक्षण का कोई प्रावधान इन तीनों विधेयक में नहीं है। मेरा पुनः तर्क निवेदन है कि आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि अगर पेमेंट जो है वो जो व्यापारी खरीदेगा वो अभी अभी कृषि मंत्री ने कहा कि है लाइसेंस रद्द किए हैं बहुत सारे बिचौलियों के लाइसेंस, अभी उसको पूरी तरह से लागू होने दीजिए मैडम, बहुत पूरे प्रावधानों को मेरा ख्याल है कि आप भी एक बार देखिएगा। तो ये किसानों को दरअसल और बुरी तरह से तोड़ देने की, निजी लोगों के हाथों में सौंप देने की तैयारी है। जो APMC है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग, हो गया सवाल आपका, हो गया जवाब कर दिया गया है। ठीक है, पिछले दरवाजे से जो है निजी लोगों की एंट्री की गई है। केदार जी, जवाब, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जब तक व्यापार के अंदर भागीदारी, पहला सवाल मेरा सवाल कुछ सर 2022 वाला, 2022 वाला मामला, ये तो 2022 तक अगर दुगनी नहीं हुई किसानों की आय तो आप उस समय बोलोगे, आपने 10 दिन का बोला था कर्ज माफ नहीं हुआ, हम तो 1.5 साल बाद बोल रहे हैं, उसमें आप बोल रहे हो। चलिए सर, 2 करोड़ रोजगार हर साल आपने दिए क्या? अरे आप एक असमय सरकार गिरा देते हो षड्यंत्र से, लूट से, झूठ से, कपट से, और उसके बाद कहते हो कि आपने ये नहीं किया। 5 सालों का जनादेश था, 5 साल के लिए अभी किसानों के भले भले बुरे की बात आप कर रहे हैं, उस पर बातें कर रहे हैं। 5 सालों में बहुत लंबी असफलताएं हैं सर। चलिए, 2022 तक इन्होंने
2022 तक इन्होंने आप पर छोड़ दिया है केदार पटेल जी। इंतजार करना पड़ेगा ना इनको 22 तक। नहीं सर, 2022 तक अभी आपके ही रिपोर्ट्स आ रही हैं केंद्र सरकार की, उन रिपोर्ट्स में यह है कि आगे बढ़ना संभव नहीं हो पा रहा है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बुलबुला जो है वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पूरे देश को आत्मनिर्भर आप लोगों ने कर दिया है, तो वो असफलताएं जो है वो छुपाए नहीं छुप रही है सर। और उसका दोष कांग्रेस पर मरने की बजाय जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, देश के लोगों के साथ खड़ा खड़े होइए जो मजबूर हैं। चलिए आप भी बता दिए आनंद जी, आपने 15 महीने की सरकार जब आपकी थी तो किसानों के लिए क्या क्या किया, क्या कुछ फायदा मिला किसानों को? बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि जो किसानों को बिजली दी जा रही है वो बिजली के बिल हाफ कर दिए गए, किसानों को जो है क्या कहते हैं खाद और बीज के बारे में जो शुद्ध के लिए युद्ध हमने चलाया ताकि किसानों को मिलावट माफिया से मुक्ति मिल सके, किसान इन सारी चीजों से परेशान था। और 4300 रुपीज जो समर्थन मूल्य से बहुत ज्यादा था उतने तक हमने सोयाबीन को मंडियों में बिकवाया है, और हमारी टाइम पर हर फसल का मूल्य जो है वो समर्थन मूल्य के आसपास रहा है, उससे नीचे नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम है। इसके बाद हमने गाय की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, गाय की गौशाला पर भी सवाल किया था, गौशाला पर भी सवाल किया था, यूरिया की लाइन लगी थी 3 रोज तक और 1 बोरी यूरिया मिलता था किसानों का। सर 15 साल में एक नई पीढ़ी बड़ी हो गई है, आप 15 साल पुरानी बात करेंगे तो उस पर जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। पंद्रह महीने की बात कर रहे हैं, 15 महीने में ऐसा कहीं कोई नहीं रहा है। और कम से कम हमने है ना गुना में किसानों को पिटवाया वैसा नहीं पिटवाया, टीकमगढ़ में किसानों को पिटवाया वैसा नहीं पिटवाया, हमने मंदसौर में घड़ी नहीं मरवाई है। चलिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं किसानों के लिए, और सबसे बड़ा तो कर्ज माफी है, और हम निश्चित तौर पर सत्ता में वापस आएंगे और किसानों की कर्ज माफी होकर रहेगी। चलिए वो ठीक क्या है, खाली आप सत्ता में आने के लिए झटपटा रहे हैं, बाकी न तो किसानों की कर्ज माफी होगी न किसानों को समय पर यूरिया दिलवाया आपने। चलिए अब आपकी सरकार है केदार जी, यूरिया की बराबर व्यवस्था होगी केदार जी? आपकी सरकार है, अब सरकार है किसानों सरकार जी, किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था हो रही है सर, आनंद जी हो रही है, आनंद जी समय की कमी है, आनंद जी समय की कमी है, केदार जी से जवाब ले लें जी। सरकार आपकी है, किसानों का ऋण बकाया अभी कर्ज माफ करना जो कि कांग्रेस ने जिस घोषणा के बाद सत्ता हासिल की थी, अब चूंकि सत्ता उनके पास नहीं रही, सत्ता आपके पास है और किसान वही है, कर्ज अभी भी है। शिवराज सिंह जी ने बोला है कि अब ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये उपचुनाव के पहले हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा हम माफ करेंगे। चलिए उपचुनाव का समय 2008 में 50,000 की घोषणा की थी, आज तक काम नहीं किया उस पर। सुनो ये 2 लाख अगर माफ नहीं होते हैं तो उपचुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव में अगर आपकी सरकार जीती तो आपकी सरकार बन जाएगी। हम तो निश्चित तौर पर आएंगे सर। ठीक है, जो किसानों का भला करेगा सरकार उसी की बनेगी, वो भी पूरे करेंगे किसान भाई, बिल्कुल चिंता ना करें। तो उपचुनाव में अभी मालूम पड़ जाएगा कि कौन किसान हितैषी है और कौन किसान के खिलाफ। सारी चीजें चुनाव के लिए होंगी, सब चीजें चुनाव के लिए ही होंगी, किसानों का भला बिना चुनाव के नहीं कर सकता। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, आनंद और कमल पटेल, बहुत शुक्रिया। तो अपनी चर्चा को विराम दूंगी। किसानों का भला सोचना और हितैषी दोनों ही पार्टियां अपने आप को बताती हैं, पर किसानों का भला तभी होगा जब चुनाव में मुद्दे होंगे और मुद्दे जब जनता भरोसा जिस पर जताएगी उसी के हिसाब से सरकार भी तय होगी। फिलहाल यहां पर किसानों को लेकर हमेशा से मुद्दे बने रहे, किसान हालांकि परेशान, लंबे समय से किसान कहीं ना कहीं परेशान था। कांग्रेस इस वादे पर सत्ता में आई थी कि किसानों का कर्ज माफ करेगी, अब बासमती पर सियासत लगातार जारी है। देखना होगा पंजाब सरकार किस तरह की मांग कर रही है, केंद्र सरकार उस पर किस तरह विचार करती है और मध्य प्रदेश की सरकार इसको लेकर क्या सोचती है। फिलहाल अपनी इस चर्चा को यहीं पर दूंगी विराम। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें आप देखते रहें डीएनएन पर, मुझे दीजिए इजाजत।